जय श्री राम। आज मुझसे एक बच्ची ने पूछा कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर क्यों रोए, हनुमान जी इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी संजीवनी बूटी क्यों नहीं ढूंढ पाए, और हनुमान जी क्यों कालनेमी जैसे दैत्य को नहीं पहचान पाए। जी हाँ, हनुमान जी और राम जी के पीछे जो बात है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं। श्री राम जी अगर रोए नहीं होते तो इस संसार को ये कैसे बताते कि भाई प्रेम क्या होता है। अगर श्री राम जी रोए नहीं होते तो ये कैसे पता चलता है संसार को कि हनुमान जी संकट मोचक हैं। अगर श्री राम जी रोए नहीं होते तो ये कैसे पता चलता कि वैद्य का कर्तव्य क्या होता है, एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है। अगर श्री राम जी रोए नहीं होते तो इस संसार को कैसे पता चलता कि हनुमान जी उनको भरत जैसे प्रिय लगते हैं। जी हाँ, हनुमान जी का संजीवनी ढूंढने के पीछे बात कही जाती है कि कालनेमी एक दिव्य दैत्य था जो कि हिरण्याक्ष का पुत्र था, हिरण्याक्ष का पुत्र था। और ये माना जाता है कि जब श्री लक्ष्मण जी अमोघ शक्ति से मूर्छित हो गए थे तब सुषैण वैद्य ने उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी के लिए कहा था, जो कि कर्तव्य श्री हनुमान जी ने लिया। हनुमान जी ने उस समय संजीवनी बूटी की खोज में इतने कम समय रहने के बावजूद भी कालनेमी जैसे दैत्य जो कि वेश बदल के श्री राम का नाम जप रहा था उसे प्रभावित होके और प्रसन्न होके उसके पास गए। इस कथन से ये कहना चाहते हैं कि राम का नाम सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र नाम है। जो राम का नाम जपता है, जो राम का नाम लेता है, उसे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तभी कहा गया है, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीताम बन बसिया। जय श्री राम, जय हनुमान।